हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार सचिवालय सहायक भर्ती BSSC सीजीएल एग्जामिनेशन 2019, जो कि काफ़ी प्रतीक्षा किया जा रहा है, काफ़ी वेट किया जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। पूरे बिहार में इसकी चर्चा है, तरह तरह के यूट्यूब चैनल और न्यूज़पेपर में तरह तरह की खबर छप रही है, और आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए शायद बिहार सरकार इस एग्जामिनेशंस को दे BSSC। ये BSSC सीजीएल थर्ड एग्जामिनेशन होगा, तो इसके बारे में इसका सिलेबस क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी तैयारी को देखने के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे और इसकी भर्ती की विज्ञापन यानी कि कब आएगी भर्ती, इसके बारे में और सारी पूरी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो देखते हैं आगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, ये है बिहार सचिवालय सहायक भर्ती एग्जामिनेशन 2019 के बारे में सारी जानकारियाँ। तो पहला क्वेश्चन है, क्या सचिवालय सहायक की भर्ती सिर्फ सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग CGL कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन थर्ड लेगा, जिसमें सचिवालय सहायक की पोस्ट भी होगी। इसके अतिरिक्त अलग अलग टाइप के करीब 10-12 पोस्ट होंगे। तो इसमें अगला चीज़ है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे। तो फ्रेंड्स, कुल पद सचिवालय सहायक के लगभग 1635 संभावित हैं, ये सिर्फ सचिवालय सहायक के हैं। और टोटल पोस्ट इन BSSC CGL लगभग 3500-4000 के लगभग पोस्ट आने वाली है, जो कि ग्रेजुएट लेवल के, ऑफिसर्स लेवल के सारी पोस्टें होंगी। अगली चीज़ है कि विज्ञापन कब आएगा। तो विज्ञापन जुलाई 2019 के लगभग में इसका विज्ञापन आना संभावित है। इसके डेट में परिवर्तन हो सकता है, इसके लेट भी हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार एग्जामिनेशंस को लेने में बहुत अधिक सफलता नहीं है। हर एग्ज़ाम्स कोर्ट केस में फंसता है, 2 साल 3 साल 4 साल तक लगता है, लेकिन इलेक्शंस को देखते हुए ऐसा लग रहा है, ऐसी खबरें आ रही है विभाग के द्वारा कि जल्द से जल्द जुलाई में एग्जामिनेशंस के लिए वैकेंसी दी जाएगी। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा PT होगी। तो PT की सबसे एक खासियत है कि इसमें पुस्तक रहित होगी। आप पुस्तक इस एग्जाम्स में, PT और मेंस में, आप पुस्तक इस एग्जामिनेशन की खासियत है कि आप किताब लेके जा सकते हैं, लेकिन आप नोट्स और गेस्ट पेपर इत्यादि लेके नहीं, कैप्सूल इत्यादि लेके नहीं जा सकते हैं। इसमें सिर्फ नोटेबल बुक, NCERT के बुक इत्यादि हैं, अच्छे बुक जो कि सर्टिफाइड हैं, प्रमाणित बुक ही लेके जा सकते हैं। बुक के बारे में गाइडलाइंस आयोग देगा भर्ती के समय एडवर्टीजमेंट में, कैसा बुक ले जाना है, कौन सा बुक ले जाना है। आप किताब खोल के आंसर खोज के लिख सकते हैं। अगली चीज़ है कि सिलेबस, इसमें PT होगा। PT एग्जामिनेशन पासिंग है, इसमें लगभग 10 से 15 गुना 12 गुना 15 गुना तक रिजल्ट दिया जाएगा। आपको इसमें क्वालिफाई करना है, लेकिन इसका मार्क्स मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न हैं, एक प्रश्न 4 अंक का 200 अंक। उसी प्रकार सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 प्रश्न, एक प्रश्न 4 अंकों का होगा, 200 अंक का एग्जामिनेशन होगा। तर्क शक्ति रीजनिंग 50 प्रश्न, इसी प्रकार से 200 अंक, कुल 600 अंक के एग्जामिनेशन होंगे, और कुल प्रश्न 150 प्रश्न 150 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्क्स 0.2 का नेगेटिव होगा। टाइम 2.25 घंटे दिए जाएंगे PT एग्जामिनेशंस के लिए। जो कैंडिडेट्स PT एग्जामिनेशन में पास करेंगे, अगली परीक्षा सिलेबस मुख्य परीक्षा की होगी। मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखते हैं, इसमें सामान्य हिंदी 100 प्रश्न, एक प्रश्न 4 अंक का 400 अंक का प्रश्न होगा। क्वालिफाइंग है, हिंदी में आपको पास करना है, नहीं तो आपका अगला पेपर चेक नहीं होगा, मेरिट आपका नहीं बनेगा। 30% मार्क्स आने की 120 मार्क्स लाना जरूरी है, जो कि काफ़ी आसान है, लेकिन जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ा है कभी भी, CBSE के कैंडिडेट हैं या फिर अलग भाषा के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए हिंदी को थोड़ा देख लेना है, ऑब्जेक्टिव हिंदी। अगला है सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न, एक प्रश्न 4 अंक का 200 अंक। सामान्य विज्ञान एवं गणित 50 प्रश्न, एक प्रश्न 4 अंक का 200 अंक। तर्क शक्ति रीजनिंग 50 प्रश्न, एक प्रश्न 4 अंक का 200 अंक, यानी कि 600 अंक का मेंस होगा, जो कि मेरिट में ऐड किया जाएगा। PT एग्जामिनेशंस का मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा, और क्वालिफाइंग है। कुल पद 1635 संभावित हैं सचिवालय सहायक के। टोटल पोस्ट BSSC CGL में 4000 आएंगे। इसका प्रमोशन क्रिटेरिया क्या है? तो सचिवालय सहायक में ही सीधी भर्ती होती है, आगे प्रमोशन प्रशाखा पदाधिकारी में होता है, उसके बाद अपर सचिव में, अपर सचिव से उप सचिव में, और अंतिम में संयुक्त सचिव के लेवल तक ही आप पहुंच सकते हैं इस एग्जाम संघ द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। लगभग 50,000 के करीब इसके इनहैंड सैलरी होती है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और एक ऑफिसर ग्रेड का
नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी होती है, तो विज्ञापन जुलाई के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में आ सकता है। इसके लिए तैयारियां अभी से करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सेट अधिक मात्रा में सेट लगाने हैं। तरह तरह के बुक मार्केट में उपलब्ध हैं। अगली वीडियो में हम इसके लिए कौन सा बुक पढ़ें ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के गाइडलाइंस पर होगा और एक्सपर्ट के गाइडलाइंस पर, टीचर्स के गाइडलाइन पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं सीनियर कैंडिडेट्स के पूछ करके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के लगातार वीडियोस के लिए, पल पल के अपडेट के लिए, बिहार सरकार के सभी भर्तियों के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।